नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोल पहुंचे थे, जहां नाना पटोल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि हम लोग खूब चाटने वाले नहीं, तू फेंक कर यानी माफ़ी नहीं मांगेंगे। उस सवाल पर वही उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा था और आज भी कहेंगे, जो चोर है उसे यूं ही चाहेंगे। नीरव मोदी पैसा लेकर देश का भागा है तो वह चोर है, लुटेरा है, तो उसे चोर ही कहेंगे। अब मेरी सदस्यता भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नाना पटोल इस वीडियो में। चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बना है तो हमारा लोकतंत्र इतना बढ़िया है कि कोई भी बन सकता है, सपना कोई भी देख सकता है। मैंने क्या बोला, सब कोई भी बन सकता है ना। अरे देखो, आपको भी सपना होगा राज्य का मुख्यमंत्री बनने का। हमें कोई जरूरत नहीं है, नहीं हमें नहीं चाहिए ना, हमें क्यों चाहिए। हमने गलती की नहीं है, राहुल गांधी ने कोई गलती की नहीं है। चोर को चोर बोला है नीरव मोदी, ललित मोदी, जो देश की जनता के पैसे लेके भागे भगोड़े चोर डाकू, हम बोलेंगे उनको 10 बार, हमारी भी सदस्यता रद्द कर ले तो हम चले गए। लेकिन जो चोर है तो चोर बोलेंगे ही हम लोग, हमारी भूमिका स्पष्ट है। हमने थूकना और हमने चाटना हमारी आदत नहीं है। वक्त बताएगा। थैंक यू।